2002 के दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का विवाद गहराता जा रहा है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में भी छात्रों ने इसके प्रदर्शन का ऐलान किया, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। ये छात्र कैंपस के बाहर अपने लैपटॉप लेकर बैठ गए और वहां उन्होंने फिल्म दिखाने की बात की, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें धारा 144 की याद दिलाते हुए रोकने की कोशिश की। छात्रों का कहना है कि वो फिल्म दिखाए बिना नहीं उठेंगे। पुलिस कुछ छात्रों को बस में बैठाकर ले जाती दिख रही है। सभी लोग यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, कृपया करके ये जगह खाली करिए। 5-5 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं इकट्ठे हो सकते, कृपया करके ये जगह को छोड़िए। यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है December 31, 2022 से, जो कि 28 फरवरी 2023 तक है अभी के लिए। तो आप लोग यहाँ से कृपया ये जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम सब इकट्ठे इस तरीके से नहीं हो सकते थे। आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है, आप सब यहाँ से प्लीज इधर बिधर हो जाइए। आप कह रहे हो कि ये नीचे कर दो, हम ये जगह नहीं है, हम ये जगह नहीं है दिखाने की, बात खत्म। क्योंकि इससे कभी भी किसी भी प्रकार का बिगड़ सकती है, उसे हमें रोकना है ना। कहाँ बिगड़ सकती है, कैसे बिगड़ सकती है? आप बिगड़ने के बाद हम एक्शन लेंगे। नहीं मैम, कैसे बिगड़ सकती है, हम जब पीसफुल खड़े हैं, हम किसी भी, देख लो ये प्रोटेस्ट नहीं है तो क्या है? इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें रोक रहे हो, क्योंकि हम शांति, देखिए हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं है, हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद भी आप हमें रोक रहे हो यहाँ पे, इसलिए हम कर रहे हैं। ये काम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अलाउड नहीं है, बात खत्म। क्यों नहीं होगा? आपको करना अपने कमरों में करो, यहाँ नहीं, आप इकट्ठे हो सकते, बात खत्म। आपका जब मन होता है आप 144 लगाते हो। आज कहाँ लगाया, अभी तुम्हें बताया ना 31 दिसंबर 2022 से लगा, आज थोड़ा लगा। तो क्यों लगाया, मैं कह रहा हूँ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोकने के लिए। अरे भैया दिसंबर में हमें पता है कि डॉक्यूमेंट्री लगा गया। देखो अभी हम आपसे प्यार से प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, उसके बाद क्या प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, या फिर हमारा एक्शन होगा? हम नहीं हुआ है, आप पे एक्शन नहीं लेना उसके बाद में लगातार। देखो बात ये, आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, पर ये चीज यहाँ अलाउड नहीं है। जब हम और हमें फिर हम एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं। मैम हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एनएसवी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें साइलेंटली दिखाने दीजिए। हम आपको कोऑपरेट करेंगे ना, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। हम लोग पीसफुली स्क्रीनिंग करने जा रहे थे, हमारा लैपटॉप सब कुछ छीन लिया पुलिस ने, या दे हैव टेकन अवे आवर लैपटॉप्स एंड ऑल आवर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सो वी आर नॉट एबल टू डू दैट नाउ, सो वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ब्रूटल एक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस। हमारा अधिकार है, आप इतने डरे हुए कौन क्यों हैं? अगर बीबीसी गलत नहीं है, आप केस करिए उनके ऊपर। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिखा रहे, प्रोपेगेंडा चला रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे अपोनेंट ने चलवाया है। अरे भैया आपके उसमें लोग, मंत्री लोग बोल रहे हैं, फेक इन्फॉर्मेशन का है, उन्होंने जो दिखाया खाली जो फैक्ट दिखाए हैं, आप कह रहे चलाएंगे नहीं, आप चलाएंगे, आप पुलिस बुलाइए, हम जाएंगे, हम जेल जल तैयार है, पर जो स्क्रीनिंग होगी कोई रोकने वाला नहीं। बीबीसी की स्क्रीनिंग क्या अलाउड है? इट इज अ बैंड स्क्रीनिंग, वो अलाउड नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? अभी 5 बजे का आह्वान भीम आर्मी की ओर से भी किया गया है कि वो भी स्क्रीनिंग, वो भी आ जाएं करने के लिए। अलाउ नहीं किया, बिल्कुल नहीं अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है, हमसे परमिशन नहीं ली गई किसी चीज की। हम ऐसी यहाँ धारा 144 लगी हुई है, 5 से ज्यादा स्टूडेंट इकट्ठे होंगे तो डिटेन होंगे। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। परिमल, अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे प्रशासन को, वो कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया सकता है, धारा 144 लगी है, 5 से अधिक लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते, और अगर होंगे तो उनकी धरपकड़ होगी। डीयू से पहले जेएनयू हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, साउथ में अलग अलग कैंपस में सब जगह इस तरीके की कोशिश जरूर हुई है, कुछ जगह सफलता भी मिली है छात्रों को जहाँ पे वो स्क्रीनिंग कर पाए, लेकिन अधिकारी जब होते जो प्रशासन उन तमाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर किया गया था, साझा किया गया था, उनको बैन कर दिया गया, उनको ब्लॉक कर दिया गया, और सरकार बिल्कुल सख्त है, चाहे एनएचए हो, चाहे वो INT हो, चाहे वो IT मिनिस्ट्री हो, चाहे एनएचए की बात करें, क्योंकि सीधे तौर पर वो माहौल बिगाड़ने को लेकर एक कोशिश की बात कर रहे हैं, और माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, और यही बड़ी वजह है कि हर जगह पर डॉक्यूमेंट्री को रोकने की कोशिश हो रही है। कुछ जगह पर कामयाबी जरूर मिली है,
जामिया में भी हमने देखा, जेएनयू में हमने देखा, हर यूनिवर्सिटी में एक तरीके से कोशिश हो रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाई जा सके, और यही कोशिश यहाँ पर डीयू में भी इस बात को लेकर थी। लेकिन जिस तरीके से धारा 144 लगाई गई, अब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसमें छात्रों को डिटेन करने की जो डिटेन करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जी शुक्रिया परिमल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सीधे डीयू से, जहां पर कि छात्रों की धरपकड़ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यहां पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते क्योंकि धारा 144 लगी है, और वही छात्र ये कह रहे हैं कि वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देखना और दिखाना चाहते हैं, और इसी कारण से पुलिस ने शुरुआत में इनसे बातचीत की, और जब बातचीत में बात नहीं बनी तो उसके बाद यहाँ पर छात्रों की धरपकड़ की जा रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि छात्रों को पकड़ कर पुलिस की जिप्सी में बिठाया जा रहा है, उन्हें ले जा रहा है। और इसी खबर पर हम वापस अपने सहयोगी परिमल कुमार के पास चल सकते हैं। परिमल, ये तस्वीरें आ रही हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई छात्रों को उठाया गया है पुलिस की ओर से, और कुछ देर पहले हमने झड़प भी सुनी थी जहां पुलिस के अधिकारियों की छात्रों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो रही थी, जिसमें सीधे तौर पर उनसे कहा जा रहा था कि वो यहां पर डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते हैं। अभी क्या स्थिति है, जो तस्वीरों में हम देख सकते हैं कई छात्रों को पकड़ा गया है पुलिस की ओर से। यहां पर रखा हुए थे और अभी जो डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिखाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे वो धारा 144 का मतलब नहीं परिमल के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। परिमल की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है, और यहां पर छात्रों से कहा गया है कि वो यहां पर ये डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते, और जो छात्र विरोध कर रहे हैं उन्हें धर पकड़ कर पुलिस ले जा रही है।